देख सकती प्रेसिडेंट हूँ। तमाम इंतजामिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। मैं आपके बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं इस दिसंबर इंशाल्लाह मैं इस साल की हो जाऊंगी। हमारे यहाँ आने का मकसद या हमारे किसी भी सेंटर में या फिर फेलोज थे उनके वालदैन से मिलने का मकसद ये होता है कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमारे दिमागों में थैलेसीमिया के बच्चे 12 साल 13 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते। लेकिन हम आपके सामने मिसाले हैं। मैं 35 साल हमारे पास रजा है, हमारे पास शुएब है, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, क्रिकेटर हैं, तीन ये वो बच्चे हैं जो मुसलसल आपके बच्चों की तरह इंतकाले खून ब्लड ट्रांसफर जो देखते रहते हैं। आप सबको ये ब्रोशर मिले होंगे, ये ब्रोशर हमने बहुत आसान उर्दू में लिखने की कोशिश की है कि आपको समझ आ सके कि आपने अपने बच्चों को लेके कैसे चलना है। बीमारी आ चुकी है खानदान में और बहुत माजरत के साथ ये पेरेंट्स की कोताहियाँ लाइल्पी की वजह से, क्योंकि आज थैलेसीमिया पे हम काबू पा सकते हैं। हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्कों में नहीं, हम बहुत पीछे हैं, अभी बहुत ज़्यादा। हम यहाँ पे ब्लड खरीद नहीं सकते, किसी दरख्त से उतार के ब्लड को लगा नहीं सकते, हमने किसी तभी जाके हमारी जिंदगी गुजर सकती है। और हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों गुजारने के लिए, मैं अपनी बात करूँ, मुझे महीने में 4 बोतलें खून की चाहिए, कौन देगा? आप रिश्तेदार नहीं देते, रिश्तेदार को जब पता चल जाए कि आपके घर में एक बीमार बच्चा पैदा हो गया तो वो तो वैसे ही किनारा कर लेते हैं। और अगर वो तो खून की मर्ज में हो तो ये तो खून मांगने आ गया, ये तो खून मांगने आ गई, इस तरह से तसव्वुर किया जाता है, किनारा किया जाता है। मैं जहाँ ब्लड लगाती हूँ वो एक निजी अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल है। आप लोग बहुत 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 लकी है, मैं उस ब्लड की 27,000 रुपये पे करती हूँ। 27,000 रुपये मैंने अगर अपने घर में राशन डाला नहीं डाला डजन मीटर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए हॉस्पिटल का बिल भरना है। आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आप आते हैं, क्रॉस मैच कराते हैं, आपका सिर्फ एक किराया लगता है, इसके अलावा आपका कुछ नहीं लगता। लेकिन उसमें भी हमारे गिले जितने कितने होते हैं ना, हमारे शिकवे होते हैं कि डॉक्टर ने अच्छे से नहीं देखा, हमारे शिकवे होते हैं जी वक्त पे ब्लड नहीं लगा, हमारे शिकवे होते हैं जी आज हम धक्का धक्का रहते हमारे बच्चे को ब्लड नहीं लगा। हमने क्या किया? हम बड़े सवाल करते हैं, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? हमने क्या दिया पाकिस्तान को? बहुत माजरत, बीमार बच्चे, बहुत माजरत, मेरी आपको बातें बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन ये हमारे हाथ में थी। हम चाहते थैलेसीमिया माइनर की जरा सी आगाही इन बच्चों को इस तकलीफ से बचा सकती, फिर इसके बाद हमारे गिलेटिक पे ना खत्म होने वाले गिलेटिक पे दवाई नहीं मिली, ब्लड नहीं मिला। हम गए थे ना, डॉक्टर ने बड़ी बदतमीजी से बात की, आप एक पेशेंट नहीं होते डॉक्टर के पास, बहुत पेशेंट होते हैं, उनको देखना उनको लेके चलना आसान काम नहीं है, सलाम है आपको उनकी हिम्मत। उसके बाद हम थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के एक मसला नहीं है, थैलेसीमिया मसाइल का अंबार है। ब्लड लगे तो रिएक्शन का खतरा, ब्लड अच्छे से लग गया तो औलाद का खतरा, औलाद बढ़ जाए तो आपके जो आजा है दिल गुर्दे जिगर ये आपके तबाह हो रहे हैं, इनको बचाना है। कैसे बचाना है? वक्त पे टेस्ट करवाने हैं, वक्त पे जो दवाइयाँ डॉक्टर लिख के दे रहा है वो दे रही है अपने बच्चों को। ये सारे बहुत बड़े बड़े मसले हमें नोट कर रहे हैं, फिर अपने बच्चों को हम ये समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। आप इन्हें तालीम दें, आप इन्हें पढ़ाएं लिखाएं, अपने बच्चों की तरह आगे बढ़ाएं, परवरिश करें। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, इसके बाद मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में अकेले भी अपनी टीम के साथ भी ट्रैवल करती हूँ और यहाँ तक के बैरून ममालिक मैं अकेले तक जा चुकी हूँ। हम ये क्यों सोचते हैं कि थैलेसीमिया मेजर कुछ नहीं कर सकते?
के होते हैं। अगर हम देखें तो साल में अगर हमें महीने में 3 पोछे लग रहे हैं तो आप सोचें कि 12 महीने में हमें 36 पोछे लग रहे हैं। उसके अगर अगेंस्ट है हमने अगर 4 या 5 डॉलर दे दिए तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आसान है, दे सकते हैं। किसी दोस्त को बोले, किसी रिश्तेदार को बोले, मामू चाचू, और ये ना सोचे कि ये मेरे बच्चे के काम आएगा या नहीं आएगा। तो आपके साथ के दूसरे बच्चे हैं, बच्चे तो सबके साथ ही होते हैं, उनके भी काम आ सकता है। आप ये मत सोचें कि ये ब्लड ग्रुप मेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं है। आप ऐसा सोचेंगे तो कोई और भी अपने लिए ऐसा सोचे। यहाँ पे हर अमल में आपके जो बच्चे पैदा हो गए हैं उसके बाद हर अमल में जो टेस्ट है वो जरूर करवाएं। और अगर कोई शादी गैर शादीशुदा आपके बच्चे हैं, बहन भाई हैं, उनका टेस्ट जरूर करवाएं ताकि पति जैसे बच्चे हम पैदा करें। और मेरे जो हमारे बच्चे हैं वो परेशान हैं ब्लड के लिए, दवाइयों के लिए, अद्वियात के लिए, हर चीज़। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मजीद बर्डन